चैनल नेहदा ट्रैवल में आपका स्वागत है। गाइस हो गया है एक हफ्ता, और जो कि मैं एक हफ्ते पहले मैं यहाँ आई थी और भविष्य मुझे छोड़ने आए थे, तो अब वो लेने भी आ गए मुझे पूरे एक हफ्ते बाद। प्लान वही वैसे ही वैसे वर्क कर रहा है जैसे सबने सोचा था कि आएंगे फिर हम जाएंगे, तो हम जा रहे हैं। और सामने से दिखाती हूँ, अभी टाइम हो रहा है हमारा 4:11, तो देहरादून में अभी हम 4:11 बजे अल्मोड़ा को निकल रहे हैं। अब देखते हैं रात का क्या सीन है और कितने बजे हम पहुंचते हैं रात में। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए, सो गाइस देहरादून से निकल रहे हैं और भविष्य ने तो 1 बजे यहाँ आ गए थे, गाड़ी टिका दी थी अल्मोड़ा से यहाँ पे, और 6 बजे निकले थे ये, लेकिन हमारी वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हमारा थोड़ा काम में देर हो गई थी। और निकलते निकलते अभी 4 बज रहा है और अभी निकल ही रहे हैं यहाँ से। और जो हमारे वीडियोज गाइस वो होते हैं, आपको पता ही है कि रोड ट्रिप्स पर डिपेंड होते हैं कि रोड एक सिटी से दूसरी सिटी हम कैसे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, रोड कंडीशंस क्या होती है, तो उस पर बेस्ड होते हैं। और अगर आप कोई क्वारीज होती है आपकी या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मेरी आईडी नेहदा ट्रैवलर के नाम से ही है। और अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। पहले भी मैं आपकी वीडियोस में बता चुकी हूँ अपने। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से। वैसे हरिद्वार से आगे निकल गए हैं और वीडियो में आपने देखा होगा कि सब जगह लॉकडाउन की वजह से कुछ मतलब एक्टिविटी हो नहीं रही है। नहीं तो गंगा नदी में जो शाम का जो नज़ारा होता है ना, जो आरती का, वो बहुत ही खूबसूरत होता है, देखने लायक होता है। और अगर लॉकडाउन का समय नहीं होता तो हम ज़रूर जाते देखने। और उसी के आगे कुछ दूरी पर क्या कहते हैं रोड कट जाती है ऋषिकेश को, और वहाँ पे वाटर स्पोर्टिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है, और किसी को नहीं पता हो तो। और वाटर स्पोर्टिंग में भी काफ़ी चीज़ें होती है वहाँ पर, जैसे बोटिंग तो खैर होती होती है, उसके अलावा कायाकिंग भी चलती है वहाँ, और राफ्टिंग मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ राफ्टिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में होती है। टेंट हाउस का मज़ा ले सकते हैं वहाँ पे, हम जाके टेंट हाउस भी मतलब रीजनेबल रेट में हमें मिल जाते हैं। पर इस समय तो कुछ नहीं था तो इसलिए कहीं जा भी नहीं पाए और कहीं कुछ हो भी नहीं रहा था, खुला भी नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आना होगा, आना ही है, तो ज़रूर अगर मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे और आपके संग भी शेयर करेंगे अपना ये वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्योंकि रास्ता है लंबा और समय हो गया है, समय 5 बजने वाले, 10 मिनट 5 बजने में। तो चलिए आगे मिलती हूँ आपसे। तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल, तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल, झूठ बोल के ही रख लो ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना, टूटा ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तो गाइस नजीमाबाद पहुंचने वाले हैं और रोड बहुत खूबसूरत आ गई है क्योंकि दोनों इधर उधर नहर रहती है और बीच में रोड है, नहर दिखेगी नहीं क्योंकि पेड़ वेड़ से भरी हुई है। आपको सामने का नज़ारा दिखाती हूँ,
सो गाइज आ गए हैं पुल पे और जो आप देख रहे हैं सामने का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। और अभी तो ये जो नहर है वो सूखी भी पड़ी है, लेकिन बरसात के टाइम पे कभी आप आए ना तो ये नहर पूरी भरी रहती है और इतना खूबसूरत ये नज़ारा रहता है यहाँ देखने के लिए। और आसपास देखिए जंगली जंगल आपको दिख रहे होंगे और बीच में नहर जाती है, उसके साइड में देखिए रोड जा रही है। मुझे तो बहुत सुंदर लगती है ये जगह जो है, बहुत मतलब मुझे आना बहुत पसंद है इस जगह में। कतरा कतरा जी रहा लम्हा लम्हा मर रहा, कैसे खुद को मैं संभालू तू बता, तेरे दिल है सुना सुना मेरे दिल का कोना कोना, तू क्या जाने कैसे इतने दिन जिया। थे और बैठे बैठे पूरे हाथ पर जाम हो गए थे, थोड़ा सोचा स्ट्रेच किया जाए। और देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत एक नज़ारा है खेतों का, और ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पे, और वो स्वैन शायद स्वैन है क्या है पता नहीं, मुझे बताना क्या उड़ रही है वाइट वाइट कलर की, ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है मुझे। और सुबह निकल गए थे भविष्य 6 बजे शायद, और 1 बजे तक पहुँच गए थे ये देहरादून, पर हमारी वजह से लेट हो गए क्योंकि हम लोग थोड़ा और देर हो गई थी हमें, इसलिए 4 बजे करीब हमने देहरादून छोड़ा। और एक हफ्ता बहुत मिस किया घर को, और ऐसा लग रहा ना सच में वैल्यू तभी पता चलती है घर की जब घर से दूर होते हैं, जब घर में होते हैं तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर जब घर से दूर होते हैं तब ऐसा लगता है कि कब घर जाएं कब घर जाएं। और आज फाइनली घर जाने का मौका मिल गया, ऐसा लग रहा है जैसे जेल से छूट गए, क्योंकि लॉकडाउन का समय था कहीं जाने को भी नहीं मिला और सीधा जिस काम के लिए गए थे। सो गाइज यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी और हमने सोचा हो सकता है एटीएम हो क्योंकि कैश निकालना था हमने भी, लेकिन देखा तो वो किसी और चीज़ की भीड़ थी। और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और कुछ लोग लेके भी जा रहे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी समझ ही गए होंगे आप लोग किसकी बात कर रही हूँ मैं। और सही है बाहर के लॉकडाउन को देखने में मज़ा ही कुछ और है। सो गाइज जसपुर पहुँच गए हैं और अभी हो रहा है 6:30 बजने वाला है, और देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। कम से कम यहाँ से नैनीताल 150 किलोमीटर और होगा, और अगर टाइम पे पहुंच गए तो कालाडूंगी वाला रोड पकड़ेंगे, और अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो हल्द्वानी वाला, क्योंकि रात के समय थोड़ा वो रोड रिस्की रहता है, कालाडूंगी वाला काफ़ी सुनसान रहता है। तो लेट्स सी कौन सा रोड पकड़ते हैं, फिलहाल करते हैं अपनी इस जर्नी को शुरू तो हो चुकी है, देखते हैं अब कहाँ पहुँचते हैं जसपुर के बाद। आते समय हमने ये रोड नहीं पकड़ा था क्योंकि काफ़ी ख़राब रोड थी, आपने देखा होगा वो वीडियो, अगर नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दे दूंगी जाके देखिए। और अभी हमने दूसरा रोड पकड़ा हुआ है और बताती हूँ आपको आगे आगे, तब तक आप आगे के नज़ारे लीजिए क्योंकि हमारे ब्लॉग में बहुत कम नज़ारे मिलते हैं हाईवेज की, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पहाड़ में ही वीडियो बनाते हैं, तो पहाड़ों का मज़ा तो हम लेते ही रहते हैं, थोड़ा हाईवे का भी ले लेते हैं। पड़ा है कब से ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और भूख भी बहुत लग गई थी, तो सोचा थोड़ा डिनर विनर कर लेते हैं, क्योंकि जब से देहरादून से बैठे हैं तब से कंटिन्यूस चलते हैं चले जा रहे हैं और कहीं रुके भी नहीं खाने के लिए। एक छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया था, उसमें भी बस थोड़ा स्ट्रेच किया और चलती है मैंने, और रात के 9 बज गए तो भूख तो लगी गई थी, तो सामने जो ढाबा है वहाँ से पैक करा रहे हैं, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वहाँ से पैक कराया है, और आगे कहीं चल के उसे खाया जाएगा। और यहाँ से अभी भी जो अल्मोड़ा है वो एग्जैक्टली 85 किलोमीटर दूरी पर है, तो 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि प्लेन्स का जो हाईवे में अगर 80 होता है तो 2 घंटे उसमें भी लगते हैं 1-1.5 घंटा, पर जो पहाड़ों का है उसमें तो खैर लग ही जाते हैं 2.5 से 3 घंटे तक। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो हम कालाडूंगी रोड वाला नहीं पकड़ेंगे, दिन में भी वो रोड बहुत सुनसान रहती है मगर इस टाइम पर वो और भी सुनसान हो जाती है, और डर रहता है कहीं कोई गाड़ी को नुकसान कर दे, कोई लूटपाट मचा दे तो अच्छा नहीं रहता, तो सेफ साइड चलते हुए हमने हल्द्वानी वाला रास्ता लिया है। तो चलिए खाना जब खाएंगे फिर थोड़ी देर आपसे बात करेंगे, उसके बाद सीधा निकलते हैं अल्मोड़े को, और फिर बात करेंगे हम अल्मोड़े की।
सो गाइज, अब खैरना क्रॉस कर लिया है और आपको आगे साइन बोर्ड दिख रहा होगा अल्मोड़े का, और अल्मोड़ा यहाँ से 35 किलोमीटर और रह गया है। अब आपसे सीधा मिलूंगी मैं अल्मोड़े में, जब गाड़ी रखेंगे और घर को जाते समय तब आपसे थोड़ी सी बातें होंगी। तो ये रात के बज रहे हैं 12। अब 12 बजे हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। खाना वाना खाया तो बहुत देर हो गई, और मजा आया? तो मैं ये बताओ पहले हमारे साथ कैसे मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अब तो भैया बस जल्दी से घर पहुंच जाए, डर भी लग रही है बाग वाग की। 12 बज रहा है और बिल्कुल सुनसानियत हो रही है, इसलिए सीधे अपने घर में घुस जाए, बस पहुंच जाए। आ गए हम अपनी गली में, अब कोई टेंशन नहीं है। है क्या कोई टेंशन? नहीं, मुझे तो नहीं थी, तुम्हें लग रहा था डर, मैं तो कुछ नहीं लग रहा था। और स्ट्रीट लाइट भी चल रही है ना। तो फिर कुछ कहना चाहेंगी आप? कहना तो बहुत कुछ है, पर इतनी रात हो गई, नींद इतनी आ रही है। तो गाइज, आई होप गाइज आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड।